सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब कानून कल अदम करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भड़क उठे, तोपों का रुख सियासी मुखालिफिन की तरफ कर दिया। लंदन में वतन वापसी के हवाले से अहम बैठक लगा ली। क्या नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को भी पाकिस्तान आएंगे या नहीं, हर तरफ चैमगोइयां शुरू हो गयी। कायद नून लीग की ज़ेरे सदारत लंदन में पार्टी का अहम इजलास हुआ, जिसमें 21 अक्टूबर नवाज शरीफ की वतन वापसी पर एक बार फिर इत्तफाक के साथ नैब एक्ट की मुतअद्दिद तरामीम कल अदम करार देने के फैसले पर गौर किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि एक शख्स को आगे लाने के लिए पाकिस्तान का मफाद दांव पर लगाया गया, ऐसे चंद अफराद का एहतसाब होना जरूरी है। लंदन में ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी ने साजिश करके इमरान खान, ताहिरुल कादरी और दीगर को इकट्ठा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, इस पर उनकी तारीफ होनी चाहिए।